जय गुरु जी संगत जी आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना सत्संग फिर से एक बार रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि जब से अंकल का मैसेज आया है दो बार ही मैंने ट्राई किया लेकिन उस टाइम गुरु जी एकदम दिमाग ब्लैंक कर दिया और मैं कुछ भी याद नहीं रहा मुझे बताना आज फिर मैं कोशिश करती हूँ अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना यूँ तो गुरु जी की कृपा और उनके बखान हम लोगों के बस में नहीं है कि हम कुछ भी कर सकें लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश में ज़रूर करूँगे हमें लगता है कि जैसे गुरु जी ने हमारे पे कोई चमत्कार नहीं किया और फिर हमें फेत कैसे हो ये आमतौर पे कई लोग मरीज से भी सवाल करते हैं लेकिन उनको जब ये बताया जाता है कि अगर आपकी लाइफ इतनी हंसती खेलती निकल रही है कोई कष्ट नहीं है फाइनेंशियली आप इतने साउंड हो और इन्जॉय करे हो लाइफ को तो ये उन्हीं की कृपा की वजह से ही तो सब हो रहा है उन्हीं की ब्लेसिंग है कि हम लोग इतनी अच्छी केयरफ्री लाइफ लीड करते हैं उन्हीं की प्रोटेक्शन और उन्हीं की कृपा की वजह से ही ये सब हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं कि गुरुजी पहले आपको बीमार करें फिर उसको ठीक करें स्टेप बाय स्टेप आपका डे बाय कोई कल्याण हो तभी आपको गुरुजी पे विश्वास होगा गुरुजी तो बैठे ही हैं ब्लेस करने के लिए यूँ ही मेरा बचपन भी बहुत ही रिलीजियस मदर की गाइडेंस में हुआ मम्मी रोज़ सुबह प्रभात फेरी के दिनों में तैयार होकर सुबह सुबह निकल जाती थी और मैं भी उनके साथ तैयार के चली जाती थी तब तक तो यही था प्रभात फेरी का मतलब कि उठो तैयार हो खाना पीना हुआ डांस ड्रामा हुआ और आ गए आस्ते आस्ते उसका मतलब समझ में आया फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा कि इसका मतलब क्या होता है और फिर गुरुद्वारा बंगला साहब का रास्ता मिला मम्मी बचपन से ही चिलिया काटते थे और मैं उनके साथ हलवा प्रसाद खाने चली जाती थी यूं ही गुरुद्वारे में और मम्मी की गाइडेंस में रिलीजियस बैकग्राउंड में बड़े हो गए मैरिज हो गई और इन लॉज भी आगे सरदार फैमिली ही मिली और फिर उसके बाद में जैसे जैसे टाइम निकलता गया गुरु जी की मेहरबानी से हस्बैंड भी बहुत अच्छे मिले बड़ी अच्छी लाइफ निकली इतने प्यारे प्यारे गुरु जी ने बच्चे ब्लेस करके दिए और फिर पता नहीं लगा कि कब मैं साई बाबा से जुड़ गई और साई बाबा से जुड़ने का मुझे बाद में ध्यान आया कि शायद गुरु जी ही वो रास्ता मेरे लिए बना रहे थे कि उनके उसी द्वार की तरफ से मैं गुरु जी तक पहुँच पाती पंद्रह सोलह साल मैं रोज़ लोधी लोदी लोधी रोड के बाबा मंदिर में जाती हाज़िरी लगाने के लिए मंदिर बंद भी हो जाता लेकिन फिर भी रात को चाहे ग्यारह बज जाए बारह बजे गेट से ही मत्था टेक के अपना सारा दिन का दुखड़ा हंसी खुशी सब बाबा से बांट के मैं घर आती थी और फिर पता ही नहीं लगा कि कब गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बुला लिया यूँ ही हमारे बच्चों की शादी फिक्स होने जा रही थी तो गुरु जी ने मेरी समदन को बोला कि जा मुंडे दी माँ को लेके आ जा अब माँ तो पहले कभी गुरु जी से मिली नहीं थी लेकिन फिर भी मैं जब गई तो उस टाइम पे एम्पायर स्टेट में पहुँचे तो गुरु जी अपनी गद्दी के पर विराजमान थे एक वाइट चोले में जैसे एक लाइट से चमक रही थी और क्या उनका और था उस टाइम पे मतलब पहली नज़र में जैसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया इतने प्यारे हमारे गुरु जी और इतनी प्यारी प्यारी उनकी स्माइल और आँखें उनके चेहरे से हट ही नहीं पा रही थी लेकिन फिर भी आँखें उन तक पहुँच भी नहीं पा रही थी कि उनका और ही इतना था डिवाइन और को देखते ही रहते देखने कि मतलब आदमी कोशिश भी करे तो वो देख नहीं पा रहे थे इतना और आता उनका तेज़ तो जैसे ही हम लोग माथा टेका तो मैंने भी टेका मैं तो पहली बार ही गई थी फिर भी गुरुजी ने कहा कि चलो बैठ जाओ तो फिर बाद में पता चला कि गुरुजी किसी किसी को बिठाते थे किसी किसी को कोई कोई लोग अपने आप टेक टेके चले जाते थे और फिर लंगर प्रसाद हुआ वो टाइम ही अलग था कि लंगर प्रसाद करो और फिर गुरु जी का माथा टेकने जाओ और गुरु जी की मौज होती थी तो बिठा लेते थे और नहीं तो आज्ञा मिल जाती थी कि जाने के लिए और गुरु जी की यह भी आज्ञा थी जब गुरु जी अपने हाथ से प्रसाद देते थे कि इसको यहीं पे ख़त्म करके जाना है अब एज अ मदर हर मदर को या एज ए पेरेंट सबको होता है कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अगर बचा के घर ले जाओ तो भी बच्चे भी खा लेंगे उनको भी ब्लेसिंग मिलेगी क्योंकि उस टाइम सब लोग पहुंच नहीं पाते थे तो इसी दिन एक दिन मुझे लड्डू प्रसाद मिला तो मैंने उसको नैपकिन में लपेट के अपने पॉकेट में रख लिया और फिर हम लंगर खाने के लिए बैठ गए तो थोड़ी देर में देखा कि जैसे गुरु जी टक, -टक मुझे देखे जा रहे हैं जैसे चोर की चोरी पकड़ी जाती है और उसको जो फीलिंग आती है कि पुलिस वाला उसको देख रहा है वैसी फीलिंग मुझे आने लगी और फेल्ट वेरी अनइजी कि गुरुजी देख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आज मुझसे कोई गलती हुई है या कुछ हुआ है तो गुरुजी ने एक सेवादार अंकल को बुलाया और उन्हें कुछ बोला लंगर प्रसाद सबका ख़त्म हो गया तो सेवादार अंकल ने बोला कि गुरु कह रहे हैं कि जिन्ना जिन्ह ने प्रसाद छुपाया वो इतें ही खत्म कर लैन उन्होंने ब्लैसिंग हैगी और ऐसे हैगा तो मेरी तो उस टाइम हालत ही ख़राब हो गई मैंने चुपचाप से अपने पॉकेट में से लड्डू प्रसाद निकाला और उसको वहीं पे ख़त्म कर लिया गुरुजी को इतना सब मालूम होता है कि अब प्रसाद तो हम लोगों ने बाहर जाके टिश्यू उठाया था, था पॉकेट में डाला था लपेट के उसके अंदर लेकिन गुरुजी को तो फिर भी पता लग गया अब चोरी तो पकड़ी गई फिर वो हमने प्रसाद वहाँ पे खा लिया इसी तरह से एक बारी एक अंकल गुरु के हाथ में कोई थैला सा पकड़ा के गए छोटी सी जैसे ज्वेलरी का पाउच तो उसमें से गुरुजी के पास कुछ जो कुछ भी था उस टाइम पे गुरु जी एक, एक संगत को इशारा करके उनको वो दे रहे थे और मुझे तो लग रहा था कि अब ठीक है गुरु जी दे रहे हैं मैं तो वैसे ही बहुत अभी नई नई आई हूँ दो तीन हफ्ते हुए हैं मेरा तो कोई चांस भी नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा तो ठीक तो है मैं अपना ध्यान लगा के बैठी रही तो थोड़ी देर के बाद मेरी आंटी ने मुझे कोने पे हाथ मार के बोला कि आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं तो मैं हैरान मैंने कहा मुझे नहीं बुला सकते कि मैं तो अभी नहीं आई हूँ गुरु जी तो मुझे इतने पहचानते भी नहीं हैं जानते भी नहीं हैं कि नहीं आंटी आपको ही बुला रहे हैं जब मैं गुरु जी के चरणों तक पहुँची तो गुरु जी वो बड़ा वाला पाउच ऑलरेडी किसी के हाथ में पकड़ा चुके थे और छोटा सा एक पाउच उनके हाथ में था जो बहुत देर तक गुरु जी अपने हाथ में अंगूठे और उस उसमें उंगली में जैसे घुमाते रहे कुछ ऐसे उसको रब करते रहे करते रहे और फिर उन्होंने वो मेरे को इशारा किया कि मैं अपना हाथ आगे करूँ तो जब मैंने अपने ऐसे दोनों हाथ आगे किए तो बहुत देर तक गुरु जी ने अपने प्यारे प्यारे हाथ मेरे हाथों में रखे और वो पाउच भी मेरे हाथों में रखा और वहीं पे काफ़ी जैसे उस टाइम जैसे टाइम ना जैसे सा गया था बिल्कुल एवरीथिंग वाज स्टिल और मुझे कुछ होश नहीं थी कि मैं कहाँ पे हूँ क्या मेरे साथ हो रहा है बहुत देर गुरु जी का हाथ जैसे मेरे हाथों के ऊपर पड़ा रहा और फिर बहुत देर के बाद गुरु ने अपना हाथ उठाया और मेरी मुठ्ठी बंद करके उन्होंने बोला कि जायश कर तो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आई कि मैं रोऊँ या मैं हँसूँ या मेरी फीलिंग क्या है या क्या इमोशंस मैं करूँ मैं अपनी जगह में आके बैठ के इतना मैं रोई इतना रोई कि समझ ही नहीं आया कि मैं मतलब मेरे साथ हुआ क्या इतनी ब्लेसिंग इतनी ब्लेसिंग इतना प्यार इसी टाइम इसी तरह से एक बारी और थोड़े दिन निकले तो गुरु जी के हाथ में फिर एक बड़ा सा पैकेट एक अंकल पकड़ा के गए तो उसमें से गुरु जी ने कुछ लिफाफे निकाले जैसे लग रहा था जैसे कोई शादी के कार्ड हैं या फिर कुछ और है तो फिर भी अपना मंदबुद्धि यही सोचते रहे कि हमें तो मिलेगा नहीं और वैसे भी शादी का कार्ड होगा तो मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ तो अब गुरु जी ने जिसको बुलाना होगा वो बुलाएंगे फिर वही हुआ कि गुरु जी ने इशारा किया और मैं गई वहाँ पे तो उन्होंने लिफाफा मेरे हाथ में पकड़ा दिया और इशारा करा कि जाओ हम वो लिफाफा लेके आके अपनी सीट के ऊपर बैठ गए अब उस टाइम तो खुलने की हिम्मत नहीं थी लेकिन जब कार में आके वो लिफाफा खुला यही सोच के खोला था कि किसी की शादी का कार्ड होगा तो देख लेते हैं किसकी शादी है कब की है अब गुरु ने बोला है तो जाना भी पड़ेगा जाएंगे ही तो लेकिन जैसे ही मैंने वो लिफाफा खोला तो उसके अंदर गुरु का इतना प्यारा स्वरूप ब्लैक एंड वाइट स्टोल के अंदर गुरु बैठे मुस्कुरा रहे हैं उन दिनों में स्वरूप बहुत कम मिलते थे सिर्फ गुरु जो देते थे या फिर किसी को ब्लेस करना होता था तो तभी हाथ आते थे बड़ा ही मन खुश हुआ कि गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया है थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर गुरुजी ने 25 दिसंबर की हमारे बच्चों की शादी फ़िक्स कर दी अब नॉर्मली क्या होता है एज ए हिंदू हम लोग बिलीव करते हैं कि भी 13 दिसंबर या 12 दिसंबर के बाद शादियाँ नहीं करनी तारा डूब जाता है ये है वो है लेकिन क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स अब्रॉड रहते हैं और वो क्रिसमस हॉलीडेज़ में ही आ सकते हैं तो वो मैंने गुरु को बोला ही था तो गुरु ने कहा कोई गल नहीं पंजी दिसंबर जब यह कर लेना तो उन्होंने पच्चीस दिसंबर की शादी फिक्स कर दी क्योंकि उन्हें कोई व्यायाम नहीं ना रंग का ना दिन का ना तारे डूबने का क्योंकि तारे उगाने वाले भी बोई सूरज उगाने वाले भी बोई तो वो कोई व्यायाम में डालते नहीं किसी को शादी भी बहुत अच्छे से हो गई गुरु जी ने हमेशा सिर्फ एक एक ही बोला कि जब भी तुम्हारा मन कभी भी भटके कुछ भी तुम्हारे को परेशानी आए या किसी बात का वहम हो तो बैठ के अपना मंत्र जाप करो और कुछ नहीं लाइफ इज़ सो वेरी सिंपल उठो मंत्र जाप करो गुरु जी का ध्यान करो अपने कामों में लग जाओ और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करो हम एज ह्यूमन बीइंग इतने वीक हैं इन माइंड कि मन हमारा भटका ही रहता है और मैं ये कई बार गुरु जी से कहती भी हूँ कि गुरु जी मुझसे ना मेडिटेशन नहीं होती मैं बैठ के ध्यान नहीं लगा सकती पर फिर भी मैं आपको प्यार बड़ा करती हूँ ये तो आपको पता ही है आई लव यू वेरी मच गुरु जी पर मुझे कैसे पता लगेगा कि आप भी मुझे प्यार करते हो प्लीज़ आप मुझे बताओ ना कि मैं, आप मुझे प्यार करते हो कि नहीं करते और हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी के आंटी के थ्रू वो मैसेज ही देते हैं कि उन्होंने कह कि मैं उनकू बहुत प्यार करना जितना वो प्यार करती है मैं मैं भी उनको बहुत प्यार करना थैंक यू सो मच गुरु जी मंत्र जी आपसे मुझे याद आया कि अभी पंद्रह बीस दिन पहले या शायद महीना पहले एक काफ़ी मेजर अर्थक्वेक आया था दिल्ली में तो ये अर्थक्वेक की जो फील आई थी ये गुरु जी ने मुझे साल डेढ़ साल या दो साल पहले ड्रीम में दिखाए थे कि बहुत तेज़ रैटलिंग हो रही है शीशे खड़ खड़ करके वो कर रहे हैं रेटल कर रहे हैं और पूरी जैसे सब कुछ हिल रहा है और मैं गुरु जी हम लोग एक हॉल के अंदर बैठे हुए हैं और मैं गुरु जी से कह रही हूँ कि गुरु जी इतनी बाहर जैसे तूफान सा आ रहा है तो कोई ना शीशे भी नहीं हम लोग खोल पा रहे ना कोई अंदर जा पा रहा है ना कोई बाहर कैसे क्या, कर, क्या करें तो गुरु जी कहते हैं कि की लड़ है बाहर जाने की लड़ है इधर उधर जाने अंदर बैठो तो शांति नाल मंत्र जाप करो और कुछ नहीं करना तो उस दिन जब अर्थक्वेक आया क्योंकि हम लोग बिल्कुल टॉप फ्लोर पे रहते हैं बिल्डिंग के तो जो लोग टॉप फ्लोर पे रहते हैं उन्हें पता होगा कि जब अर्थक्वेक आता है या कुछ भी ऐसा हल, हलचल सी होती है तो टॉप फ्लोर सबसे ज़्यादा हिलते हैं बिल्डिंग के उस दिन भी ऐसे ही हुआ टॉप फ्लोर है हमारा तो शीशे एकदम ऐसे रेटल करने लगे पंखे जैसे झूलने लग गए और हर चीज़ एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे हम किसी बहुत बड़ी स्विंग के ऊपर बैठे हुए हैं और जैसे ही अर्थ को हुआ तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आने लग गए कि सब लोग बिल्डिंग से बाहर नीचे आ जाओ अब नीचे कौन जाए हम लोगों ने अपना मैं और मेरी डॉटर गुरु के स्वरूप के सामने बैठ गए एक दूसरे का हाथ पकड़ के और मंत्र जाप करने लग गए और ये अर्थ को एक काफ़ी टाइम चला और उतने टाइम हम लोग मंत्र जाप ही करते रहे और बिल्कुल वही चीज़ जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाई थी कि कुछ नहीं करना कितने नहीं जाना अंदर बैठो तो मंत्र जाप करो तो वही हम लोग मंत्र जाप करते रहे और अर्थ को एक गुरु जी की कृपा से सब शांत हो गया और हम लोग शुकराना करा और काफ़ी देर हम सोनों के भी बैठे रहे गुरु जी के सामने और फिर आस्ते आस्ते लोग मैसेज आने लगे कि वापस आ गए हैं बिल्डिंग में अपने अपने फ्लैट्स में तो हम यही सोच सोच के गुरु जी का थैंक्स करते रहे कि थैंक यू गुरु जी आपने ये सब दिखा भी देते हो और आप इन बातों से हमें निकाल भी देते हो जी की कृपा से हमारी जर्नी बहुत अच्छी ही निकल रही है ये बात नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आते बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं आती भी हैं चाहे वो थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ हों या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों लेकिन उनको फ़ेस करने की हिम्मत भी गुरु जी खुद ही दे देते हैं बस हमें क्या करना है हमें तो उनके फ़ैसले में मंजूर रहना है और उनके ही बस वो करना है जाप करता रहना है सुख दुख उन्हीं के दिए हुए हैं और निकालेंगे भी वही अपनी संगत को गुरु जी बहुत प्यार करते हैं हमें तो यही करना है कि बस सरेंडर कर देना है कि गुरु जी आप ही जानो आप ही का दिया हुआ है आपने संभालना है कैसे संभालना है क्या करना है ये सिर्फ़ आपको ही बताए यूं ही मैं जब कभी अपनी मोम को मिस करती हूँ अकेली बैठी होती हूँ तो गुरुजी के सामने बैठ जाती हैं और उन्हें बोलती रहती है कि गुरु जी आज मुझे हक़ चाहिए गुरु जी आज मुझे प्यार करना है गुरु जी आज मम्मी की याद आ रही है तो गुरु जी क्या करते हैं वो सामने बैठे मन मन मुस्कुराते रहते हैं और ऐसे ही एक दिन मैं अपनी मोम को काफ़ी मिस कर रही थी तो रात को आँखों में पानी था और मैं सो गई तो थो, थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए एक बड़ा सा हॉल है तो वहाँ गुरुजी बैठे हुए अपने आसन में तो मैं दूर एक कोने में उदास होकर बैठी हूँ तो गुरु जी कहते हैं इधर आ तो जैसे मैं गुरु जी के पास पहुँचती हूँ उनके चरणों के पास बैठती हूँ तो कहते की गल है गुरु जी आज ना मन बड़ा उदास हो रहा है तो मुझे ना हक चाहिए और गुरु जी अपनी गति से खड़े हो मुझे भी खड़ा कर लेते हैं और कहते हैं चंगा फिर इधर आ और मैं इतनी जोर से गुरु जी से लिपट के रो रो के प्यार करती हूँ उनको कि जैसे एक बच्चे को अपने एक्चुअली माँ की गोदी में जाके <coughs> जो फील आती है वैसे ही मुझे फील आ रही थी और बहुत देर तक मैं गुरु जी के <coughs> सॉरी जी तो मैं बहुत देर तक गुरु जी को हक करके और उनके साथ रोती रही और पता ही नहीं लगा सुबह हो गया और आंख खुली तो मेरी आंखें तब भी गिली ही थीं ड्रीम दर्शन से मुझे याद आया मैं आपको छोटे छोटे गुरु जी के मेहरबानी और उनके छोटे छोटे ड्रीम दर्शन के बारे में बताते हो हम लोग मंडे को सेवा के लिए जाते थे सुबह शिव मूर्ति सेवा के लिए अब उस टाइम मैं नई नई जाना शुरू किया था तो हम लोगों ने सुबह जाना शिव मूर्ति सेवा करने उसके बाद में थोड़ी देर बैठ के हम शिव पुराण पढ़ते थे और जहाँ समोसा प्रसाद चाय प्रसाद खाया पिया और आ गए तब भी वहाँ छोटे छोटे जैसे ग्रुप्स में सत्संग होते रहते थे तब इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी कि बैठना नहीं है सत्संग नहीं करने हैं संगत थोड़ी सी होती थी अपना कोई ना कोई अपना ग्रुप में पुराने अंकल या हैं कुछ ना कुछ सत्संग सुनाते रहते थे तो ये काफ़ी टाइम ये सिलसिला चलता रहा एक दिन रात को जब मैं सोई हुई थी तो गुरु जी ने मुझे दिखाया कि हम लोग हॉल में बैठे हैं और इसी तरह से बड़े हॉल में तो वहाँ पे सेवा चल रही है और कुछ आंटी हैं वहाँ पे सेवा कर रही हैं और मैं ऐसे दीवार के साथ किनारे पे लग के बैठी हूँ जहाँ पे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ तो गुरु जी मुझे कहते हैं ऊपर देख शैडलियरते किन्ने जाले लटक रहे हैं तो सी ही सेवा करते रहते हो और ये कह के गुरु जी एकदम चले गए मैं एकदम झटके से उठी और एक्चुअली मुझे यू ही लगा कि जैसे गुरु जी मुझे झटका दे के गए हैं कि तुम लोग जाते हो नीचे सेवा करते हो देख और ऊपर तुम लोगों की नज़र ही नहीं जाती कि शैंडलियर कितना गंदा हो रहा है अब उसके बाद जब अगले मंडे हम लोग गए तो मैंने वो हमारी जो कोऑर्डिनेटर आंटी थी उनको मैंने बोला कि आंटी हमें ना शैंडलियर नीचे उतरवा के उसकी सेवा करनी है गुरु जी का आदेश है कि बहुत जाले लटक रहे हैं जब लाइट जलाओ तो वो जाले चमकते हैं सबको पता ही है तो वो गुरु जी ने कहा कि शैंडलियर साफ़ करना है तो फिर वो आंटी ने माली अंकल को बुला के शैंडलियर नीचे करवाए तो हम लोगों ने फिर रेगुलरली शैंडलियर सेवा भी स्टार्ट कर दी एक और छोटा सा आपको ड्रीम दर्शन बता दियो एक दिन हम लोग जब लेटे हुए बैठी हुई थी शाम को मंत्र जाप चल रहा था गुरु जी के सामने कोविड के दिनों की बात है <coughs> तो मैं गुरुजी को कह रही थी गुरुजी मुझे ना वो दिन याद आते हैं कि जब हम आपके साथ बैठ के आप अपने हाथों से गर्म गर्म हलवा प्रसाद खिलाते थे बहुत मन कर रहा है गुरुजी जी वैसे ही हलवा प्रसाद खिलाओ ना तो गुरुजी इतने प्यारे हैं छोटी छोटी बातें भी आप लोगों की सुन लेते हैं और मान भी जाते हैं बेचारे तो उसी रात गुरु ने मुझे दर्शन दिए कि हम लोग बड़े मंदिर में हैं कुछ फंक्शन सा चल रहा है और एंट्री पीछे के गेट से हो रही है तो जैसे ही हम लोग मंदिर के दर मेन गेट तक पहुँचे हैं तो अंकल कहते हैं आंटी पीछे से जाओ आज दर्शन उधर से होंगे मेन गेट इधर से नहीं आ जाना अंदर तो हम लोग पीछे की तरफ से जाने शुरू करते हैं तो वहाँ से जब जा रहे होते हैं तो गुल्लक रूम से जब अंदर जाते हैं तो गुरुजी की गद्दी पहले नज़र आती है तो मत्था टेकने जाते हैं तो मैं देखती हूँ गुरु जी तो गद्दी पे है ही नहीं फिर भी अब क्योंकि आदत पड़ गई है कि गुरु जी गद्दी में नहीं है कहीं और बैठे होंगे चलो मत्था टेका और हम लोग लाइन लगा के बाहर की तरफ आ रहे हैं अब एग्जिट जो हो रही है वो मेन दरबार के दरवाजे की तरफ से हो रही है संगत आगे आगे लाइन लगा रही जा रही है तो मैं देख रही हूँ पीछे से चलते चलते कि मेन डोर के पास <coughs> संगत झुकझुक के प्रसाद पकड़ रही है तो एक हाथ जैसे उठता है प्रसाद पकड़ाता है संगत मत टेक के चल चलते तो जैसे ही मेरी बारी आती है तो मैं देखती हूँ कि अरे ये तो गुरु जी प्रसाद बांट रहे हैं और गुरु जी इतनी क्यूट सी स्माइल देते हैं मेरे को और मैं उनको कहती हूँ गुरु जी आप तो यहाँ पे प्रसाद बांट रहे हो मैं तो आपको गद्दी पे देख रही थी तो इतने क्यूट गुरु जी हलवा प्रसाद उठाते हैं अपने हाथ से और मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं बिल्कुल उसी स्टाइल से जब वो हमें जैसे अम्पायर स्टेट में पकड़ाया करते थे और मैं उनको देखती हूँ सिर झुकाती हूँ और वो भी मुझे इशारा करते हैं कि चंगा जा और इतने क्यूट गुरु जी लग रहे होते हैं वाइट ट्राउजर्स और ब्लू शर्ट में पहने हुए अपने हाथों से सबको वहाँ खड़े होकर वो हलवा प्रसाद बांट रहे होते हैं इतने प्यारे हमारे गुरुजी हैं ना कि मतलब तो कैसे मैं बताऊँ मेरे मेरे तो आँखों में पानी आ जाते हैं एंड आई हिज लव फॉर ए संगत कि तुम्हारी छोटी से छोटी बात भी और वो पूरी कर देते हैं किसी न किसी बात से इसी तरह से हमने घर पे गुरु जी की आज्ञा से ही उन्होंने सत्संग रखवाया तो हम सोच ही रहे थे कि बहुत टाइम अब हम हो गया है तो हम लोग क्या मीठा क्या रखें मीठा प्रसाद क्या रखें तो सब कुछ डिसाइड हो गया था तो मीठा प्रसाद पे ही सिर्फ अभी बात रुकी हुई थी तो उसी रात गुरु जी ने मेरे साथ किचन में खड़े होके चूरी बनवाई तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चूरी बनवाई आटा गूँधा गया रोटी बनी उसकी चूरी बनी और जब सब तैयार हो गया तो गुरु जी अपना चलते बने फिर मेरी नींद खुल गई फिर मैंने अपनी डॉटर को बोला मैं क्या आपकी हमारे सत्संग में चूरी प्रसाद का बनेगा तो वो भी गुरु जी ने बता देते हैं आके कि क्या अगर तुम्हारे माइंड में कोई कन्फ्यूजन चल रही है तो वो भी उसको कैसे एकदम से सुलझा कर चले जाते हैं। अब हम लोगों को लगता है कि जैसे शीशा टूट गया तो वहम की बात हो जाती है लेकिन वो शीशा टूटा हम लोगों का अपना वहम है कि शीशा टूट गया वो गलत हो जाएगा लेकिन मैं आपको अभी बताती हूँ संगत जी कि हमारा कुछ केस चल रहा था और ये लास्ट ईयर की बात है जब बहुत बहुत तेज़ दिल्ली में डस्टोम हेल टॉम और तूफ़ान सा आया था जब जीके में और बताया गया था बहुत पेड़ गिर गए हैं आसपास दिल्ली में काफ़ी दवाई मची थी उस तूफ़ान की वजह से उसी दिन का केस था और उसी दिन हमारा सत्रह को सत्संग रखवा दिया गुरु जी ने और हमें सत्संग की तैयारियों में बिज़ी कर दिया और चौदह तारीख़ की डेट थी और चौदह तारीख को ही ये स्टॉम आया था हमें पता ही नहीं लगा इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और हमारी बैलकनी शीशे की कवर्ड हुई थी सारी ग्लेजिंग हुई हुई है उसके शीशे टूट टूट के अंदर हमारे ड्राइंग रूम तक उड़ उड़ के आए हैं एकदम से और फिर हम लोग उसी में इतने ज़्यादा जोनड आउट हो गए कि ये हो क्या रहा है लेकिन गुरु जी की कृपा से किसी को कोई चोट नहीं आई कुछ नहीं हुआ और जब वो स्टॉम निकल गया जो कुछ टूटना था टूट गया वो टाइम भी निकल गया तो फिर हम लोगों ने बाद में सोचा कि ये हुआ क्या लेकिन गुरु जी की कृपा से किसी को कोई चोट नहीं आई सब ठीक ठाक हो गए फिर हम लोगों ने लड़के बुला के सफाई कराई ग्लेजिंग ठीक कराई शीशे लगवाए और उसी दौरान में हमारे डेट का भी काम ख़त्म हो गया और हमारा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा वो तो अगले दिन पता लगा कि जो हुआ वो सब ठीक ही था सब गुरुजी ने अपनी निगरानी में सब करवा दिया तो शीशा टूटने में कोई वहम नहीं है कोई शीशा टूटना कोई गलत बात नहीं होती टूट गया तो टूट गया आपका कोई कष्ट ही निकला उसके अंदर और सर गुरु जी ने हमारे उस दिन क्या कष्ट निकाले होंगे वो शीशों के जरिए वो उन्हीं को ही पता है पता नहीं क्या कष्ट आना था हमारे पर या हमारे घर या क्या होना था क्या नहीं होना था तो ये सब उन्हीं की कृपा से सब ठीक हो गया आज छोटे छोटे सत्संगी माइंड में आ रहे हैं कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रही अच्छा हमें जैसे लगता है कि हमारी जर्नी तो उसी दिन शुरू हुई है जिस दिन हमें गुरु जी ने अपनी शरण में बुलाया नॉर्मली तो लोग ऐसे ही सोचते हैं या ऐसी ही सोच है तो अब मैं भी जब कभी बैठ के सोचती हूँ कि गुरु जी ने तो मुझे चलो शादी के दिनों में 2002 के आसपास ही अपने शरण में बुलाया लेकिन उनकी प्रोटेक्शन उनकी ब्लेसिंग तो बचपन से ही मेरे साथ चली आ रही है तभी तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी फैमिली में मेरा बर्थ कराया इतने अच्छे पेरेंट्स दिए इतने अच्छे रिलीजस ख्याल दिए जो कि मैं कुछ अपने आप को सुधार पाई या मैं कुछ बन पाई और 2002 के आसपास मेरा एच काफ़ी लो रहता था और डॉक्टर्स के सब डायग्नोस और ये सब होने के बावजूद बाद में पता लगा जी एच लो रहता है अंदर फाइब्रड्स हैं गायनेकोलॉजी कोई प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन करवा लेना चाहिए अब मैं सर्जरी और इन सब चीज़ों से ज़रा काफ़ी दूरी रहती हूँ कोशिश तो इंसान की यही रहती कि ना सर्जरी में जाना पड़े और मैं बार बार उसको टालती जा रही थी लेकिन डॉक्टर्स बार बार कहे जा रहे थे कि आप करवा लीजिए आपका एच बहुत लो रहता है तो काफ़ी प्रॉब्लम भी कभी पड़ सकती है क्योंकि एच लो रहने का मतलब आपकी ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाती है ब्रेन में तो आप ऑपरेशन करवा लो काम ख़त्म करो और मैं उसको टालती चली जा रही थी और फिर उन्हीं दिनों ये सब टाल मटोल के अंदर दो आ गया गुरु ने अपने चरणों में बुला लिया हमें शादी की प्रेपरेशन्स में बिजी कर दिया रोज़ रात को गुरु जी ने वहाँ बिठा लेना जब भी हम दर्शन के लिए जाते थे रात को डेढ़ दो बजे तक बैठे रहना और फिर बाद में गुरु जी ने बोलना कि चंगा जाओ फिर हूं शादी दिया तैयारियाँ करो तो जाओ ऐश करो अब जाओ तुम शादी दिया तैयारियाँ करो ऐश करो कि करने, करने में इतनी ऐश हो गई कि सर्जरी का हम भूल ही गए शादी भी बहुत अच्छे से हो गई और आज तक इतना टाइम निकल गया कि मेरी सर्जरी नहीं हुई वो को प्रॉब्लम कहाँ गुरुजी ने गायब कर दी मुझे नहीं मालूम वो उन्हीं को पता है कि कैसे सब जो इतनी मेजर प्रॉब्लम्स डॉक्टर्स कह रहे थे कि होगी वो सब गुरुजी ने यूं ही हवा में उड़ा दी इतने प्यारे हमारे गुरुजी हैं कि कुछ पता भी नहीं लगने देते कि तुम्हारी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है या होने वाला है क्या गलत होगा वो अपने आप ही सब देख लेते हैं और उसको ठीक कर देते हैं आपको अभी रिसेंटली लास्ट वीक का एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ संग जी अभी अब जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं तो मैं और मेरी डॉटर बात कर रहे थे तो मैं मेरी डॉटर कह रही थी मोम समर्स आ रहे हैं तो आप समर के थोड़े से सूट या कुर्ते ख़रीद लो तो मैं उसको यही कह रही थी हाँ देखना पड़ेगा सोचना पड़ेगा करीने तो पड़ेंगे क्योंकि लास्ट ईयर वाले तो मुझे पूरे नहीं आएंगे हो, हो सकता है मेरा वेट बढ़ गया हो वैसे भी कॉटन के कुर्ते हैं एक एक धुलाई में कोई श्रिंक हो जाता है कोई क्या है कोई क्या है। तो एक दो दिन के बाद ही मैं सो रही थी तो गुरु का दरबार लगाया अम्पायर स्टेट में गुरु अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं रेड एंड ब्लैक जूले के अंदर और हॉल एकदम ना सारा चकाचक आंटियों से ही भरा हुआ और गुरु जी बारी बारी बड़ी हंसी और बड़ी जोवियल मूड में बैठे हैं एक एक आंटी को उंगली के इशारे से उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या तो वो आंटी गुरु जी से कोई बात कर रहे हैं तो गुरु जी फिर हंसते हैं फिर उसको इशारा करके बिठा देते हैं इसी तरह उन्होंने बहुत आंटियों को बारी बारी करके उठाया और फिर उनको बिठा दिया फिर उन्होंने मेरे को उठाया इशारा करके और पूछा हाँ की है? तो मैं कह रही हूँ गुरु जी थोड़ा सा ना अगर आप मेरी फैट कम कर देते साइडो साइडो से तो अच्छा हो जाता मैं भी जरूरत थोड़ी स्मार्ट सी लगती तो मैं तो बोल के चुप हो गई डर के बारे तो गुरु जी इतनी ज़ोर से हंसे इतनी ज़ोर से हँसे जैसे बच्चा कोई जोक सुना दो तो हँसता है और इतनी ज़ोर से हंसने के बाद मेरे को इशारा करके कहते हैं जब बैठ जा और मैं बैठ गई इसी तरह से मेरा ड्रीम ख़त्म हो गया अब एक दो दिन के बाद ड्रीम मैंने सुबह उठ के अपनी डॉटर को सुनाया तो वो भी बड़ा हँसी कहती है मॉम आपको मतलब गुरु जी को नींद में भी आपको यही कुछ ही करना होता है कि मेरा वेट कम कर दो मेरा ये कर दो मैं कहा और, और मैं किसको बोलूँगी मुझे तो गुरु जी से ही बोलना है ना जो कुछ भी बोलना कहती है अच्छा चलो ठीक है जो हुआ तो हम लोग ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे तो फिर मैंने एक दो तो दिन बाद अपने सूट निकालने शुरू करे कि अब निकालू अब गर्मियों में क्या लेना है क्या रखना है तो मुझे कहीं जाना था लंच के लिए मैंने अपना एक समर सूट निकाल के पहन लिया संगत जी आप बिलीव करो वो सूट मुझे कम से कम दो दो इंच लूज था चारों तरफ से और मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने किसी का मांगा हुआ सूट पहना हुआ थैंक यू गुरु जी तो आपने इतनी सी बात भी मेरी सुन ली तब ये मेरे मन का वहम नहीं है क्योंकि सूट मेरे सामने पड़े हैं और वो मेरे को लटक के चारों तरफ से अब मुझे क्या लग रहा है लोगों को क्या लग रहा है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे जो सूट पिछले साल के थे वो सारे मुझे लटक गए थैंक यू गुरुजी थैंक यू सो मच लव यू गुरुजी सॉरी संगीत जी आज मेरे सत्संग ज़रा कुछ सिस्टम में नहीं है जैसे जैसे मुझे याद आ रहे हैं मैं आपको सुना रही हूँ कोविड से एक साल डेढ़ साल पहले गुरु जी ने हमें एक अपार्टमेंट ब्लेस करके दिया था दो साल पहले तो पहले तो साल भर उसका काम ही नहीं ख़त्म हुआ इंटीरियर्स चलते रहे कुछ ना कुछ गड़बड़ आती रही तो मैं और मेरी बेटी जो भी प्लानिंग करे करी थी हम लोगों ने कि हम लोग इस कमरे में गुरु जी का दरबार बनाएंगे ये बेडरूम होगा ये ड्राइंग रूम होगा जैसे भी करके अब वो दीवार जो दरबार में जो बैकग्राउंड थी जहाँ स्वरूप लगना था वो दीवार हम अपने हिसाब से उसके ऊपर कुछ टाइल्स लगवानी थी तो जब भी हम वो कारीगर को बोल के आते टाइल्स लगाने के कारीगर लगा के जाता सुबह उठते जब वो पानी की तराई करते हैं टाइल्स के ऊपर वो तराई करने के लिए जाता तो सारी टाइलें नीचे गिरी पड़ी होती समझ में नहीं आया एक बारी ऐसे हुआ दो बारी हुआ तीन बारी हुआ करते कराते वो टाइल्स क्योंकि एकदम झटके से नीचे गिरती थी और टूट गई टूट जाती थी कर तो एंड में ये हुआ कि टाइलें आधी रह गई सिर्फ अब वॉल तो पूरी करनी है वॉल पूरी करने के लिए टाइल्स मैंने टाइल वाले को बोला कि मुझे इस टाइम यही सेम टाइल्स चाहिए अब वो टाइल्स राजस्थान से बन के आती हैं तो कहने लगा मैम ये अब तो टाइम लगेगा टाइल्स तो राजस्थान से बन के आएंगी सेम कलर की या तो आप सारा लॉट चेंज करो और नहीं तो फिर आप वेट कर लो तो मैं कहा कोई नहीं हम वेट कर लेंगे हमें कौन सी जल्दी है? पहले ही ऑलरेडी साल भर तो निकल ही गया और दो तीन महीने से ही तो अभी वो टाइल्स आई नहीं थी ऑर्डर ही किया था मैंने तो गुरु ने मुझे दिखाया कि उनको कमरा ही नहीं पसंद उधर उनको रहना ही नहीं है स्वरूप उधर लगेगा ही नहीं तो मैं गुरु जी को कह रही हूँ फिर गुरु जी ठीक है फिर आप ही बता दो ना कि कहाँ रहना है कौन से कमरे में आपको जो पसंद है ऐसे इतना नुकसान करा दिया टाइलें बार बार गिरी जा रही हैं और इतना टाइम भी लगा दिया तो गुरु जी कहते हैं कि तुम लोग मतलब वैसे कहते हो कि मैं फैमिली मेम्बर हूँ वैसे मुझे हेड ऑफ़ द फैमिली समझा बताते हो और कमरा तुमने मुझे एक साइड में दिया है और मेरे को नहीं वहाँ रहना मेरे को वहीं उसी कमरे में रहना है जहाँ तुम लोग दिन रात बैठते हो गपशप मारते हो या बातें करते हो जहाँ तुम्हारी फैमिली इकट्ठी होती है जिसको तुम फैमिली रूम कहते हो संगत जी आप बिलीव करो कि आज हमारा गुरु जी का जो दरबार है वो हमारे ड्राॅइंग रूम में है वहीं पर हम लोगों का उठना बैठना खाना पीना सब है वहीं हम गुरु जी के साथ ही रहते हैं क्योंकि बेडरूम में तो रात को सिवाय सोने के और कभी को कोई जाता नहीं है वही आप हमारा मंदिर कह लो वही हमारा फैमिली रूम कह लो <coughs> हमारे प्यारे गुरुजी भी वहीं पे भी है हैं जो दीवार मैंने एक पेंटिंग लगाने के लिए बनवाई थी उसी दर दीवार के ऊपर गुरुजी ने अपना स्वरूप लगाया और कौन सा स्वरूप लगवाना है वो भी गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि इस चोले में ये वाला स्वरूप इस दीवार पे लगेगा तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग यूँ तो गुरु को अपना हेड मानते हैं अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं और गुरु जी का ये कहना भी बिल्कुल ठीक है कि हम उन्हें एक, एक अलग कमरे में क्यों बिठा देते हैं जहाँ वो सारा टाइम अकेले बैठे रहते हैं और हम लोग बाहर रहते हैं अब हम ड्राइंग रूम में आते जाते गुरु जी देखते हैं कभी वो स्माइल करते हुए दिखते हैं कभी वो गुस्से से भी देख लेते हैं हम लोगों की गलती हो जाती है तो यूँ लगता है कि आज गुरु जी थोड़ा गुस्से में है तो इतना प्यारा लगता है ये सारा माहौल मतलब पूरा घर ही एक मंदिर ही लगता है कि गुरु जी हर जगह में है क्योंकि वो अलग से एक कमरे में नहीं बैठे हुए यू ही संगत जी जब हम मंडे को शिवमूर्ति सेवा के लिए जाते थे तो थोड़े कोविड से थोड़ा टाइम पहले ही काफ़ी संगत बढ़ गई थी आंटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी तो हमारी कोऑर्डिनेटर आंटी ने हमारी टर्न्स लगा दी किसी के महीने में एक बारी बारी आएगी या दो महीने में एक बारी आएगी तो वी टू किट इन ए वेरी नाइस वे कि चलो गुरु जी ने और बहुत लोगों को ब्लेस करना है हम लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं सब लोग लेकिन फिर भी मन तो कहते हैं ना चंचल है और जब और मांगता है और मांगता है तो यूँ ही हम लोग बैठे रहते थे बड़े हॉल के बाहर बैठ जाना जब बारी आनी जिस हफ्ते हमारी बारी होती थी उस हफ्ते हम अंदर चले जाते थे नहीं तो बाकी जिन आंटियों की टर्न लगी हुई थी तो वही अंदर जाके शिव मूर्ति सेवा करती थी तो एक दिन ऐसे ही मंडे को मेरी डॉटर वहाँ पे शटल सेवा में जाती थी तो एक अंकल उसकी गाड़ी में सुबह जाते हैं वो उनको ड्रॉप करती है तो वो उनको बोल रहे हैं कि मैं ना लखनऊ जा रहा हूँ वहाँ पे कोई वो सत्संग है तो कहती है अंकल चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है जय गुरु जी कभी मिले नहीं हैं कुछ बातचीत नहीं हुई हुई तो वो अंकल को छोड़ देती है फिर वो अपना वापस अपनी सेवा में लग जाती है अब वो अंकल ये सब गुरु जी की प्लानिंग ही होती है कि किस तरह से उन्होंने क्या करना है किसको कहाँ पे खड़ा करना है किसको बिठाना है एक आध दिन के बाद शायद वो अंकल वापस आते हैं और गुरु जी की प्लानिंग के हिसाब से ही वो लाइन में खड़े हुए हैं और इसी की शटल में आके वो बैठते हैं और इसको बोलते हैं कि ये पैकेट है ये अपनी मम्मी को दे देना तो क्या वो मतलब पहले क्योंकि वो कभी वो संगत को मिली नहीं है जानती नहीं है अंकल को तो उनको पूछती है कि अंकल क्या है कहती है कुछ नहीं है तुम्हारी मम्मी के लिए है उनको दे देना बस वही खोलेंगे तो ये शाम को घर में आती है तो वो पैकेट मेरे को दे देती है और मैं इसको पूछ मजाक मजाक में बोलती रहती हूँ मैं कहा, क्या क्या ले आए आप अंकल से तो ऐसे किसी से कुछ भी ले, ले लेते हो तो कहती नहीं मम उन्होंने बोला कि मम्मी को ही देना वही खोलेंगे मुझे नहीं मालूम आप खोल के देख लो क्या है इसके अंदर तो अच्छा भारी सा पैकेट है खोलने की कोशिश कर रही हूँ उसमें न्यूज़पेपर काफ़ी उस पर लेयर्स लगे हुए हैं तो एक 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 क्लियर करके मैं खोल रही हूँ तो जैसे ही लास्ट लेयर में खोलती हूँ तो वो मतलब ऐसे ही जैसे मेरे हाथों से गिर जाता अगर मैंने ठीक से पकड़ा ना होता उसको इतनी प्यारी इतनी सुंदर मूर्ति उसके अंदर प्रास की बिल्कुल वैसी जैसे हमारे बड़े मंदिर में पड़ी हुई है फिर आप देखोगे गुरु जी इतना आपको प्यार करते हैं कि वो देख रहे हैं कि शायद ये आंटीज अब कोविड आ रहा है मंदिर नहीं आ पाएंगी सेवा नहीं कर पाएंगी या नहीं ठीक पहुंच पाएंगी तो वो हर घर में ही उन्होंने मंदिर बना दिया है, हर घर में उन्होंने अपने आप को विराजमान कर लिया तो वो शिव मूर्ति अब हमारे मंदिर का ही हिस्सा है जहाँ हमने गुरु जी का स्वरूप रखा उसके साथ में हमने वो शिव मूर्ति रख दी है और मैं देख के अपने आप को बिल्कुल एकदम से सुन हो गई कि गुरु जी आप इतना प्यार इतना प्यार कि आपको इस बात का भी एहसास है कि हम लोग सेवा मिस कर कर रहेगे या नहीं आप तक पहुँच पा रहे हैं क्या आप दिखा रहे हो क्या बता रहे हो आज हर घर में मंदिर बना हुआ है हर घर में गुरु जी हैं जी गुरु जी ने अपनी निगरानी में मेरे अंकल का कैंसर का ऑपरेशन करवाया अभी तक डॉक्टर्स भी हैरान हैं और इवन मेरे अंकल जो हैं वो भी हैरान हैं कि तुम लोग मुझे डॉक्टर हॉस्पिटल ले गए थे तो मेरी किस बात की कि सर्जरी करवाई है ये सब गुरु जी को ही पता है कि उन्होंने कैसे स्टेप बाय स्टेप खड़े हो स्टेप बाय स्टेप उनका ध्यान करके विद इन फिफ्टीन डेज उनका ऑपरेशन भी हो गया वो घर भी आ गए स्टार्टिड लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ एंड टिल टुडे माई अंकल नेवर वॉन्ट्स टू एग्री और नो कि उनका ऑपरेशन किस बात के लिए हुआ था और हम लोग भी उन्हें ये प्रेशरइज़ करने की कोशिश ही नहीं करते कि आपको कैंसर हुआ था या आपका कैंसर का ऑपरेशन हुआ है तो आपको ध्यान देना है ये करना है वो करना ही इज़ लीडिंग बाई गुरु जी इज़ ग्रेस ही इज़ लीडिंग सच अ नाइस हेल्दी लाइफ कोविड के टाइम मेरे को कोविड हुआ दो बारी मेरी डॉटर को हुआ कोविड दो बारी एक ही घर में हम लोग रह रहे हैं ना कोई घर में मेड आ रही है ना कोई और देखने में बहालने वाला आ रहा है और हम उनको कह रहे थे कि आप प्लीज़ अंदर रहो हम लोगों को बाहर कोविड हुआ हुआ है तो आपका खाना जैसे आएगा पैक करके हाथ कहीं आंटी को बोला हुआ था वो पैक करके भेज देती थी कि हम वहाँ पर आपके कमरे के बाहर रख देंगे आप खा लेना फिर बर्तन डिस्पोजेबल हैं फेंक देंगे तो वो हमसे गुस्सा होने लगे कहते है, कोविड तुम्हें हुआ तुम लोग कमरे में बंद हो मैं क्यों अपने आप को कमरे में बंद करूं मैं नहीं अंदर रहूंगा तो वो हमारे साथ ही खाना पीना हमारे साथ ही बैठना होगा ना मेरे को अंदर कमरे में लॉक नहीं होना अब हम लोग अपने आप को कमरे में बंद नहीं इसलिए कर रहे थे कि हम दोनों को ही कोविड था और घर का हम दोनों ही लेडीज़ बंद कर बंद हो जाएंगे तो घर कौन देखेगा <coughs> तो वो फिर हमारे साथ ही अपना आ आगे और गुरु जी की इतनी मेहर इतनी ब्लेसिंग कि सबको कोविड हुआ इतना टाइम लोगों ने सफ़र किया लेकिन अंकल को एक बार बुखार तक नहीं हुआ थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर प्रोटेक्टिंग हिम ऑलवेज अभी रिसेंटली भी हम लोगों ने उनका टेस्ट करवाया जस्ट टू यू नो नो वेदर इज़ ब्लड रिपोर्ट्स एंड एवरी थिंग इज़ ओके या लिवर फंक्शन किडनी फंक्शन सब सही है कि नहीं सो बाई गुरु जी इज ग्रेस एवरी थिंग इज़ परफेक्टली ऑल राइट जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन या थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो गुरु जी अपने आप देख लेंगे और वो देख भी रहे हैं उन्हीं की सपोर्ट से और उन्हीं की से ही इज़ लीडिंग सच ए नाइस एंड हेल्दी लाइफ कि हमें तो किसी बात की फ़िक्र ही नहीं है ना ना ही गुरु जी को फिक्र होने देते हैं वो खुद अंकल मंदिर नहीं ज़्यादा जाते क्योंकि वो थोड़े अनिजी हो जाते हैं ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकते लेकिन गुरु जी खुद आके उनको दर्शन दे के जाते हैं बता के जाते हैं कि मैं हूँ घबराओ मत एंड फील सो हैप्पी अंकल इज सो हैपी कि गुरु जी आए थे मुझे फ्रेगरेंस आई है गुरु जी की फ्रेगरेंस आई है मैंने उनको फील किया ही इज़ हैप्पी विथ दैट एंड वी आर हैप्पी बिकॉज ही इज हैप्पी एंड एवरीबडी इन द हाउस इज सेटिस्फाइड कि गुरु जी की बहुत मेहर है बहुत ब्लेसिंग है गुरु जी हमारे गुरु जी चाहते क्या है संगत जी संगत से सिर्फ प्यार चाहते हैं और उनका सरेंडर चाहते हैं हम लोग इस काबिल तो नहीं है कि हम लोग कुछ दे पाएं या किसी के लिए कुछ कर पाए लेकिन हम गुरु जी के बताए हुए रास्ते उनके वचन उसके ऊपर चलने की हम एक कोशिश कर सकते हैं पूरे सच्चे दिल से वही कर लें तो हमारे लिए वही इतना ही बहुत है हम अपने आप को बहुत बड़ा दानी ज्ञानी मेडिटेशन साधु महात्मा नहीं कहला सकते क्योंकि एज ए ह्यूमन वी आर वेरी वीक और वी फॉल इन टू टेम्पटेशन ऑल्सो चाहिए भी हमें सब कुछ लेकिन फिर भी हम एक कोशिश कर सकते हैं कि अपने आप को गुरु जी की संगत कहलाने के काबिल बना सकें और गुरु जी का जो प्यार हमें मिल रहा है उसको लेने के लिए हमेशा हमारी झोली खुली रहे ताकि गुरु जी अपनी मेहर हमेशा हमारे पे बरसाते रहे अभी भी मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप है वो मन वन मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ और आज मैंने क्या बोला है मुझे नहीं पता गुरु जी आपने क्या मुझसे बुलवाया बिल्कुल मुझे लग रहा है आज का मेरा सत्संग जो है वो काफ़ी हे वायर है एक एक लाइन इधर की एक उधर की लेकिन सॉरी संगत जी थैंक यू गुरु जी फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड ऑल योर लव आप पूरी संगत को ऐसे ही प्यार करते रहे थैंक यू सो मच अंकल थैंक यू संगत जी अगेन एंड अगेन थैंक यू सो मच